प्रॉब्लम ये है कि वो लड़की है, और क्या प्रॉब्लम है? प्रॉब्लम ये है कि मैं चाहता हूँ मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ही ना हो, लेकिन अगर मेरी लाइफ में कोई प्रॉब्लम ना हो ना, तो उसकी लाइफ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। बेसिकली हर लड़की लाइफ में एक उम्र आती है जब उसे रियलाइज होता है उसकी लाइफ बिना एटीएम, बॉडीगार्ड, ड्राइवर और नौकर के नहीं चल सकती। हम हर लड़की तो सब अफोर्ड नहीं कर सकती ना, तो लड़कियां ढूंढती है बॉयफ्रेंड, ट्रायल पे रखती है, काम पे रखती है, काम पसंद आए, नौकरी परमानेंट, शादी। शादी में सबसे जरूरी क्या होता है? मांग भरना। और आदमी को तो काम ही होता है और तो की हर मांग भरना, और ऑफिस जाने का पेपर वर्क खत्म नहीं होता कि लड़की गायब, ऑफिस वाले जल्दी आईडी कार्ड नहीं मांगते, जल्दी जल्दी ये तलाक मांग लेती है। बेसिकली अगर लड़की को एक भी पेपर में हाथ डालना पड़ गया, यानी पर्स में मिस्टर इंडिया वाली गाड़ी होती है ना कि हाथ डालो गायब, अगर बिल भरना है तो बिल भरो, बिल भरने का नाटक मत करो, बिल के अमाउंट के हिसाब से बिल मत भरो, हर बार बिल भरो। और सुन, लड़कियां ना सिर्फ माँ बाप के सामने नाटक करते गिवअप पढ़ने का, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम 2 लाख कमा रहे हो, माँ बाप प्रेशर में 50,000 से शादी कर ले, वो उनसे तब तक फाइट करेगी जब तक एटलीस्ट तुम्हारे लेवल का बंदा नहीं ढूंढाते। जब ब्रेकअप करेगी ना तो उन्हें चुपचाप चली जाए लाइफ से, पहले साल 10 दिन तक डिस्कशन करेगी क्यों करती है, अचानक उन्हें फिक्र हो जाती है कि तुमने खाना खाया कि नहीं, अरे सब इतनी कंसर्न छोड़ क्यों रही है। बेसिकली वो चाहती है कि तुम उनसे पूछो तुमने खाना खाया, वो कहे नहीं, तुमको प्लीज खा लो, वो रिस्टेब्लिश हो जाए कि जो ब्रेकअप सियापे की वजह से हो रहा है उसमें सबसे विक्टिम हो गई। सेल्फिश होंगी तो टाइटैनिक वाले को ले ले, वहां लकड़ी पे एक आदमी के फिट होने की जगह थी, 15-15 मिनट के बारे में ले सकते थे। चलो ठीक है, तुम्हें पहले चुन दिया, मैं चले सो जाऊंगी, मस्त तुम्हें नींद पूरी करके उठी, अरे तुमने ये कैसे डिक्लेयर कर दिया मर गया, तुम डॉक्टर हो, तुमने नर्व से कहीं बेहोश भी तो हो सकता था, लेकिन गुड मॉर्निंग में भी नहीं बोला ना, मतलब मर गया, पानी में फिट के चली गई। सोने के पहले बात करनी, उठने के बाद बात करनी, अरे दिन पूरा नहीं पड़ता क्या, सोने के पहले आदमी 2 मिनट चंद से लेट नहीं सकता क्या, और क्या है ये डॉक्यूमेंट उसके, चलो उन्हें सुनाने के लिए मैं वो भी करने को तैयार हो जाऊँ, लेकिन सोते सोते बाद रात रात में कौन सी भयानक घटना घट जाती है कि वो अपने के साथ फिर बात करनी है, ये हेलो बेबी 1 घंटा हो गया तुम्हारा फोन नहीं आया, मेरी माँ आधा घंटा मुझे खुद को जगाने में लगता है, उसके बाद मेरा आदमी हगता है, ब्रश करता है, नहाता है, शुरू में दिन के बारे में सोचता है, हर आदमी का फंडामेंटल राइट होता है हगते हुए सोचना, लेकिन नहीं तुमसे तब भी बात करनी है। शादीशुदा आदमी ऑफिस जाते हुए लेट क्यों जाते हैं, जो टाइम पे उठते हैं वो बात करने में लेट जाते हैं, और जो समझते हैं उठते लेट, चलो उठो तैयार हो भागो, बस बात ना करनी पड़े। ये सब बर्दाश्त करने के बाद इनका सबसे बड़ा सियापा ये है कि सेक्स के बाद भी बात करनी है। पागल हो गया, सेक्स सेक्स ही इसलिए क्योंकि इट्स अल्टीमेट क्लाइमेक्स, को क्लाइमेक्स क्यों कहते हैं क्योंकि पिक्चर खत्म, मीठा खाने के बाद सुख पीता है क्या? कभी कभी तो मुझे लगता है कि दे वांट टू टॉक देम टू ऑर्गेज्म। लड़कियों की लड़कों से सिर्फ 2 मिनट होते हैं, आई लव यू और सॉरी, इन्हें बोलो आई लव यू तो इन्हें जानना है आई डू लव मी, इन्हें हर 2 महीने बाद जानना है आई डू लव मी, आई लव यू बट गिव मी 5 रीजंस व्हाई यू लव मी। अरे पागल हो क्या, फोन सोचता है इतना, तुम्हें सुना नहीं है कि प्यार एक एहसास है, और उससे भी बड़ा तो सियापा है ये सॉरी, कि इवेंचुअली हर आदमी थक करके सॉरी बोल ही देता है, लेकिन तब मामला खत्म नहीं होता, तब असल मामला शुरू होता है। तुम्हें पता तुमने सॉरी को बोला, अच्छा तुम्हें ये भी नहीं पता तुमने सॉरी को बोला, मेरी माँ जिस बात पर लड़ाई होती थी उसी बात पर सॉरी बोल रहा हूँ ना, तो इन्हें कोई बात समझाओ मजा लेगी समझ, और वही एक बात इनका बेस्ट फ्रेंड एक मिनट में समझ जाएगी। ये सारा बेस्ट फ्रेंड का सियापा सूर्य प्रचार जी ने शुरू किया था, बेस्ट फ्रेंड टोपी पहना के दोस्ती में नो सॉरी नो थैंक यू, सिर्फ दोस्ती में प्लीज भी नहीं रहा, दोस्ती में पूछना भी नहीं रहा, दोस्ती में लिमिट भी नहीं रही, दोस्ती में लड़का लड़की के घर जितने दिन रहना चाहे रह सकता है, दोस्ती में लड़की लड़के गोद में बैठ जाए प्लेटोनिक, दोस्ती में लड़की दारू पी के लड़के की पप्पी ले ले प्लेटोनिक, दोस्ती में लड़की लड़के के सामने कपड़े बदल ले वो भी, और दोस्ती में शायद सेक्स भी प्लेटोनिक ही होता होगा, इनके कपड़ों के बारे में जरा सा कुछ करो अचानक फैमिली स्टैप हो जाएगी, ए यू कांट टेल मी व्हाट टू वेयर, अच्छा तुम मुझे बता सकते हो कि मैं क्या पहनूं, तो मेरा तुम्हें बताना अचानक से इक्वालिटी लिबर्टी फ्रीडम सोवरेनिटी इंडिविजुअलिटी का इशू कैसे बन जाता है। और साला भैंस क्या, फोन तो सबसे बड़ा दुश्मन है आदमी का। बेसिकली हर रिलेशनशिप में स्टेज आती है जब आपको पता होता है एक कॉन्वर्सेशन में इस पॉइंट के बाद एक पॉइंट पर लड़ाई होनी है, लेकिन आप फोन कट नहीं कर सकते, कट करने का ऑप्शन तो उनके हिसाब से आपके फोन में होना नहीं चाहिए, वो कट कर सकते थे तो उनको मास्टर देखना ही उनका, लेकिन आप नहीं क्योंकि एंटेड आप फोन के साथ साथ टीवी भी आपके मारने आ गया, मैच कॉल करो बाद में देखो, लड़कियों को लगता है कि ये ना मैच कॉल करके बाद में देखना जेन्युइन पोजीशन है, भाई कौन सा सेल्फ रिस्पेक्टिंग मत, मैच बाद में रिकॉर्ड करके देखता है भाई। सर्विस प्रोवाइडर्स मार्केट उठे थे कॉलर्स कम करके, अभी स्मार्टफोन वाले आ गए, तू बता ऐसी कौन जरूरत आ गई थी ऐसा बनाने की जैसे आपको किसी की लोकेशन का पता पड़ सके, ऑफिस आते हैं वो 2 मिनट सिगरेट लेने का रुक जाएगा, अचानक से फोन आ जाएगा, हेलो बेबी मैंने देखा तुम कहीं 3:30 मिनट से रुके हुए थे तो सोचा फोन करके पूछ लो, यार फाइन ना, अरे मेरी माँ तू बार बार मुझे गाड़ी चलाते हैं फोन करके तो मैं वैसे ही मर जाऊंगा, रात में मर भी रहा हूँ ना तो नीचे पहले इन्हें फोन करके बताओ कि हेलो बेबी सुनो मैं मर रहा हूँ ठीक है, वही हमारा लेने आ गए, तभी नहीं होगा आदमी मर रहा तभी पूछेगी कहाँ मर रहे हो क्यों मर रहे हो कैसे मर रहे हो, तुम्हें बताया तुम्हारा मरने का प्लान है, कौन कौन मर रहा साथ में, अच्छा तुम उसके साथ भी मरने लगे, सती जी ऐसी थोड़ी सी नहीं थी अपने पति को यमराज से, उन्होंने लेनी करती होगी क्या क्यों कैसे कहा, यमराज जी ने माफ करो बहन जी गलती हुई ले जाओ मैंने
सबसे बड़ा सियापा है फॉर लव सरप्राइजेस, बट एक्चुअली दे हेट सरप्राइजेस, दे ओनली लव द अपॉर्चुनिटी टू प्रिटेंड टू बी सरप्राइज। उन्हें पता होना चाहिए तुम सरप्राइज प्लान कर रहे हो, उन्हें पता होना चाहिए तुम क्या सरप्राइज प्लान कर रहे हो, पर तुम्हारे थ्रू नहीं किसी और के थ्रू, और उनकी असली खुशी बाद में छुपी होती है। उन्हें सरप्राइज पता होने के बावजूद तुम उनके पास जाओ और चलो सरप्राइज, और उन्हें करने का मौका मिल जाए। लड़कियों के हर सवाल के पीछे दूसरा सवाल होता है, लेयर्स होते हैं। समझो वो तुमसे पूछे छोले कैसे बने, अगर तुम अच्छे लगे तो ठीक, लेकिन अगर तुमने उसमें गलती से कमी नहीं काटी तो वो रेसिपी दी तो उसकी माँ ने, और अगर तुम उसकी माँ के हाथ छोले नहीं पसंद तो उसकी फैमिली को हेट कर दो। लड़कों को ऐसा क्यों लगता है कि उनके माँ बाप भगवान का रूप होते हैं? अगर कोई कुछ भी सीख सकता है तो उसके माँ बाप से सीख सकता है। वो तुम्हारे माँ बाप के बारे में कुछ बोलते कौन अच्छा नहीं, लेकिन अगर तुम उसके माँ बाप के बारे में सरसी लाइन क्या बोलती, साला थर्ड और फर्थ वर्ल्ड वॉर एक साथ शुरू हो जाएंगे। तुम मेरी माँ को मैनिपुलेटिव बोलो कोई दिक्कत नहीं है, मैंने तुम्हारी माँ को जरा सा टच ही क्या बोल दिया, माय गॉड इतनी टच हो जाती है कि अब तक टच ही करने को नहीं मिलता। इन सबको बर्दाश्त करने के बावजूद भी हम लड़कियों के साथ हैं, और जो नहीं है वो डेस्परेटली लड़कियां ढूंढ रहे हैं। क्यों क्यों क्यों? क्योंकि साली रिश्वत देती है। प्राइम इज एन इंस्टीट्यूशन स्टार्टेड बाय वुमेन, क्योंकि इनके पास जो रिश्वत देने को वो कभी खत्म नहीं होने वाली, और हम साली रिश्वत को हमारी मनाए जा रहे हैं, उससे तो अपने हाथ से शादी कर लें।